नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के 5 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि अभी जो आपको देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है वो 50% करेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में वो बेहतरीन स्टॉक्स, वो मार्केट लीडर स्टॉक्स जिसके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको कोशिश करना है इस पैंडेमिक सिचुएशन में मार्केट लीडर के साथ ही चलें। तो जो फाइनेंशियल सर्विस है इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है, जो स्टॉक्स को हम खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकते थे आज वो स्टॉक्स बहुत ही चीप वैल्यू पर मिल रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ही नीचे प्राइस पर मिल रहा है। तो ऐसे में हम उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो उनसे कौन से स्टॉक्स के साथ आपको जाना है ये आपको जज करना है। हम 5 स्टॉक्स लेकर आए हैं, 5 का कंपेरिजन करेंगे कि 5 में कितना करेक्शन आया है और किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले स्टॉक्स पर। तो वो पहला स्टॉक है हमारा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। दोस्तों बजाज फिनसर्व पहले 10,000 प्राइस का हुआ करता था। 10,000 के प्राइस पर बाय करना आप के लिए और हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन अभी देख सकते हैं इसमें 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। और ये स्टॉक्स देख सकते हैं 4,785 रुपीज़ पर उपलब्ध है, और भी इसमें करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। जैसे ये 4,500 पर बार बार आ रहा है, तो ऐसे में आप 4,500 पर पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो लगा सकते हैं, मतलब एक क्वान्टिटी, दो क्वान्टिटी, 10 क्वान्टिटी जितना चाहे। तो 4,500 पर पहला इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं, फिर उसके बाद अगर और ज़्यादा गिरावट आती है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। उसी तरह से आप लगातार इसमें SIP मोड में बाइंग कर सकते हैं। चलिए हम इसके चार्ट को दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का चार्ट रहा है, देख सकते हैं कि 2008 में भी इसमें बहुत भारी गिरावट आया था। ये 632 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था और ये गिर करके देख सकते हैं 100 रुपीज़ का हो चुका था। उसी तरह से अभी जो है आप देख सकते हैं कि ये 10,000, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 9,950 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 10,000 हो ही गया। वहाँ से गिर करके आप देख सकते हैं कि 4,160, मतलब 4,000 के अप्रॉक्स आ चुका था। तो इतना भारी गिरावट इस स्टॉक्स में देखा गया है। तो ऐसे में आप इसमें जो है जैसे और थोड़ा करेक्शन होता है तो पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और जैसे जैसे है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या मंथ के हिसाब से आप जैसे करेक्शन आता है तो एक एक दो दो कर करके इसमें मतलब माल उठा सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन निश्चित है कि आप SIP मोड में ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब इसके हम कुछ फाइनेंशियल को देख लेते हैं, कंपनी किस तरह से परफॉर्म किया है। अभी जो मार्च क्वार्टर है इसका रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट आ जाता है तो और भी बेहतरीन होगा। तो हम इसके फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं। जैसे फाइनेंशियल पर क्लिक किए तो यहाँ देख सकते हैं जो बजाज फिनसर्व है इसके दिसंबर क्वार्टर तक के जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो उपलब्ध है। तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं अभी, क्योंकि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है जो हमारा ये क्वार्टर होगा जो मार्च क्वार्टर, उसमें तो बहुत ही इफेक्टेड होगा लॉकडाउन के कारण, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर है उसका सेल्स लगातार देख सकते हैं पिछले क्वार्टर कंपेयर में और ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट भी देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा फ्लैट रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था, सेल्स भी इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही शार्प इंक्रीज है देख सकते हैं प्रॉफिट में। तो इसलिए ये कंपनी जो है आपको अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो अगर अभी चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो पी रेशियो मार्च के अनुसार बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो मार्च है मार्च क्वार्टर के अनुसार पी वैल्यूएशन देख सकते हैं बहुत ही हाई है, लेकिन जो आपको अभी के अनुसार पी रेशियो की बात करें तो अभी पी रेशियो बहुत ही सस्ता हो चुका है। देख सकते हैं अभी जो करेंट मार्केट प्राइस उसके अनुसार पी रेशियो यहाँ पर देख लीजिए 18.94, मात्र 19 का पी रेशियो है। तो समझ सकते हैं अभी के अनुसार पी रेशियो कितना सस्ता वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है कि पी रेशियो ये 19 का हो चुका है। तो समझ सकते हैं बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स उपलब्ध है। उसके बाद देख सकते हैं इंडस्ट्री का जो अर्निंग पर शेयर है, जो हमारा EPS है और जो पी रेशियो है इंडस्ट्री का वो है मात्र 24, और अभी भी घट चुका क्योंकि ये
जो 20 का रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट हो जाता है तो पी रेशियो और भी डिक्रीज हो जाएगा, अपडेट होगा क्योंकि प्राइस में 50% का गिरावट देखा गया है। अब वही बुक वैल्यू देखिएगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का वो भी अभी बहुत ही हाफ से भी ज़्यादा, मतलब ये जो है आपको 10 के ऊपर आ चुका होगा, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको बहुत ही सस्ते पे अभी आपको मिलेगा। तो हर चीज़ कंपनी का बहुत ही सस्ता हो चुका है, देख सकते हैं दिसंबर में हर चीज़ बहुत ही हाई था, ये अभी सारा चीज़ दिसंबर क्वार्टर का ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड, कंपनियाँ डिविडेंड कितना देती है तो देखते हैं 100%, मतलब 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक का, दूसरा स्टॉक है हमारा आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आईसीआई लोम्बार्ड भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है, तो इस कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये इसका लिस्टिंग बहुत ही नया है, 2019 में ही इसका लिस्टिंग हुआ है, तो इन कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कंपनियाँ भी बेहतरीन है। इसका पी रेशियो देखिए अभी भी बहुत ही ज़्यादा है, 50 से थोड़ा ही कम है, मतलब 49 का पी रेशियो है, बहुत ही कम है, अति बहुत ही ज़्यादा है पी रेशियो। और ये 52 भी कहा है देखिएगा, तो ये है 1440 अपने 52 भी कहा है के करीब ही मिल रहा है, इसमें और थोड़ा सा आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको बस SIP मोड में इन्वेस्ट करना है, जैसे थोड़ा सा करेक्शन आता है तो। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं कि कंपनी का सेल्स किस तरह से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट किस प्रकार इंक्रीज किया है। तो चलते हैं हम फाइनेंशियल पर, जैसे हमने फाइनेंशियल पर क्लिक किया देख सकते हैं नीचे इसका सारा डिटेल्स आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स, कंपनी का सेल्स जो है लगातार इंक्रीज होते गया है। तो यहाँ मार्च क्वार्टर इसका देख सकते हैं रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, ये इस कंपनी का जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का 2020 का पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो इसका सेल्स है वो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर का है 281 करोड़, और पिछले क्वार्टर कंपेयर में थोड़ा लेस है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टॉक्स है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका करेंट प्राइस है आप देख सकते हैं 1636 रुपीज़, और आज 4% की भारी गिरावट देखी गई है, और इसका पी रेशियो देखिएगा मात्र 13 है। कभी ये स्टॉक्स आपको 20 से भी ज़्यादा पी रेशियो पर उपलब्ध था, और इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखे गया है, देख सकते हैं 2499, मतलब 2500 इसका मैक्सिमम प्राइस है इस साल का, और ये अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, देख सकते हैं 1600 के आसपास। तो अभी आप इसमें पहला इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं, और जो है लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेगा तो देखिए कितना ज़बरदस्त है ये स्टॉक्स, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर को ये रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 2000% का रिटर्न दिया है 2003 से लेकर 2020 तक में। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स में से एक है, और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इसके फाइनेंशियल, कंपनी का सेल्स किस प्रकार इंक्रीज हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट किस प्रकार इंक्रीज हुआ है। तो अभी तक देख सकते हैं 20 का जो है इसका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे 20 का रिजल्ट अपडेट हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तक दिसंबर क्वार्टर का ही रिजल्ट उपलब्ध है, तो हम दिसंबर क्वार्टर तक का ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सेल्स जो है इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर था 28,000, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में लेस था, क्योंकि पिछले सितंबर क्वार्टर 32,000 था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 24,000 करोड़ था, जबकि यहाँ 28,000 करोड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट के है तो 2,554 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के सेप्टेम्बर क्वार्टर तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करेंगे तो उसमें भी डिक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे में हम वेट कर रहे हैं कि जो मार्च क्वार्टर है उसमें रिजल्ट कैसा आता है, तो आप को हम अपडेट देते रहेंगे जैसे रिजल्ट आता है इसका। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये स्टॉक्स है ये बहुत ही करेक्शन वैल्यू पर मिल रहा है, तो आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और करेक्शन आता है तो और आप दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाएंगे, इसी तरह से करेक्शन आते जाएगा, आपको इसमें अपना इंस्टॉलमेंट मतलब SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करते जाना है।
उसके बाद हम तीसरे स्टॉक पे चलते हैं, तो अगला है हमारा HDFC AMC। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ये इसमें अभी तक बहुत ही कम गिरावट देखने मिला है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो देखिए 2019 का ही लिस्टिंग है, अभी तक इसमें गिरावट बहुत ही कम देखने मिला है। देखते हैं इसका जो मैक्सिमम है वो है 3844, तो अभी आपको मात्र 2500 रुपीज़ पर मिल रहा है, तो अच्छा करेक्शन है, मतलब इसमें भी बहुत ही अच्छा करेक्शन आया है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करना हो तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप इसमें लगा सकते हैं, फिर करेक्शन आता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्टॉक से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से एक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो बहुत ही हाई है 42.27 का, तो बहुत ही हाई पी रेशियो पर अभी मिल रहा है और बहुत ही करेक्टेड प्राइस पे भी मिल रहा है। और अगर वेट करना चाहते हैं तो कुछ वेट कर सकते हैं, या पहला इंस्टॉलमेंट लगाना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे और अगर मार्केट में करेक्शन की संभावना है तो आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया है, तो HDFC AMC, तो इसका हम रिजल्ट को देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आया, तो हम फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इसका नेट सेल्स प्रॉफिट सारे चीज़ आ जाएंगी, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट आ चुका है, तो इससे में कंपेयर करने में बेहतरीन रहेगा। देखते हैं 476 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में बहुत ही लेस है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करेंगे तो भी लेस है, लेकिन प्रॉफिट की आप बात कर लेते हैं 249 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के बेसिस बहुत ही कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही कम है। तो देखते हैं प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है, तो सारे कंपनियों के प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर के वो प्रभावित हुए हैं इस पैंडमिक कारण, लेकिन इसका बहुत ही कम प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में ये कंपनी आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन है, फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इन कंपनियों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने पांचवी कंपनी, जो इस ग्रुप की जो पांचवी लीडिंग कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस। अभी करंट प्राइस देखते हैं 2114 रुपीज़ है, और इसका पी रेशियो मात्र 22.51 रुपीज़ का है, तो बहुत ही हाई पी रेशियो इसका नहीं है, क्योंकि पी रेशियो इंडस्ट्री का भी इसके अप्रॉक्स है, तो बहुत ही सस्ते पी रेशियो पर मिल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं इसका जो 52 वीक हाई है वो है 4923 रुपीज़, तो बहुत ही 52 वीक हाई प्राइस बहुत ही हाई है, देख सकते हैं, तो अभी बहुत ही करेक्टेड प्राइस पर आपको मिल रहा है। अभी ये जो है 60% से भी एवब करेक्शन पे आपको मिल रहा है, और यहाँ लॉन्ग टर्म चार्ट देखेगा तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, तो देख सकते हैं एक समय ये 5000 रुपीज़ का हुआ करता, अभी मात्र आपको 2000 रुपीज़ पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। अब इसके हम बात कर लेते हैं जो कंपनी का सेल्स है, जो ग्रोथ है उसके बात कर लेते हैं, तो कंपनी का जो यहाँ ग्रोथ आप देख सकते हैं, जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें 7000 का सेल्स हुआ है, दिसंबर क्वार्टर में कुल कितना 7000 का सेल्स हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर तुलना में बहुत ही बहुत ज़्यादा है, और ईयर ऑन बेसिस भी ज़्यादा है। तो फिर इस स्टॉक में करेक्शन क्यों देखने मिला है, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें पूरी सर्विसेज इसका बंद है, तो आप जो आपका रिजल्ट आएगा जो हमारा मार्च क्वार्टर है, फिर जो आगे का जून क्वार्टर होगा उसमें भारी गिरावट आपको इसके प्रॉफिट में देखने मिल सकता है, इसलिए कंपनी में स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट है 1614 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो और भी ज़्यादा है, मतलब जो दिसंबर क्वार्टर है 18 का उसके कंपेयर में बहुत ही बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, तो इस तरह से देख सकते हैं इसकी के प्रोपोर्शन में इसका स्टॉक्स भी भागा है, स्टॉक में भी इतनी ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है जितना कि प्रॉफिट में, तो इसलिए इन सभी कंपनियों के स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अभी मिल रहे हैं। ये सिचुएशन जैसे खत्म होता है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, तो सारी स्टॉक्स जो फिर से अपने प्राइस को रिकवर करेंगे, और आपको सारे स्टॉक्स फिर वही वैल्यूएशन पर मिलेंगे जो कि पहले हुआ करता था, तो बहुत ही अच्छा मौका है, ऐसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा कि इन 5 स्टॉक्स में आपको कौन से स्टॉक्स चूज करने चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आप 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स इस 5 में से चुन कर सकते हैं, तो ये 5 लीडिंग शेयर है जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उस सेक्टर से, इसमें से आप 2-3 स्टॉक चूज कर सकते हैं जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।